हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम एक हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा, सबको जरूर पसंद आएगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बाउल ये जाड़ा पोहा। इसको अभी मैं धो लेती हूँ। इसको दो तीन पानी से अच्छे से धो लेना है। इसको धोने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी रखकर इसको 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट में ये पोहा अच्छे से भीग जाएगा। ये देखो, पोहा अच्छे से भीग चुका है। इसे अभी मैं ट्रांसफर करूँगी मिक्सी के जार में। हमें इसे पीसना है, इसलिए मैं इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। लेकिन इसके साथ आज हम डालेंगे एक चीज़, ये है स्प्राउटेड मूंग, जो मैंने घर में तैयार करके रखी थी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी रहती है। इसके साथ इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक और 5-6 हरी मिर्च। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ, क्योंकि इसके हमें पेस्ट तैयार करनी है और इसे अभी मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, बस ऐसे ही हमें चाहिए। तो मैं ये निकाल लेती हूँ अभी मिक्सी बाउल में। ये मैंने निकाल लिया है, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए मैंने वो मिक्सी के जार में ही पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ। आधा ग्लास पानी इसमें डाल दिया है मैंने, और इसको मिला के मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। पूरे पानी को इसमें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा पतला ही चाहिए। इसलिए मैं इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, और इसको मिक्स कर लिया। अभी ये परफेक्ट से बैटर तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम और वेजेस मिलाएंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक गाजर बारीक पिसा हुआ, एक बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, एक बारीक कटा हुआ टमाटर। ये टमाटर की बीजें मैंने निकाल ली थी इसमें से। उसके साथ ही इसमें अभी डालेंगे मसाले, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक। इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पूरे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर लेना है, पूरी वेजीज इसमें मिक्स हो जाएगी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी लगता है ये नाश्ता। बच्चे तो वैसे मूंग वगैरह खाने को देखते नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे करके देंगे तो वो खा भी लेंगे। ये देखो, अभी ये तैयार हो चुका है। इसको पकाना है, इसलिए मैंने इसमें अभी डाल दिया 1 पैकेट इनो, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसको बिना इनो से भी बना सकते हैं, लेकिन ये इनो डालने से थोड़ा फ्लफी बनेगा। ये देखो, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है, और उसमें तेल ग्रीस कर लेती हूँ पूरा। एकदम कम तेल में बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है ये। अभी इसमें मैं 2 चम्मच मिक्सर डाल देती हूँ, और इसको ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेती हूँ। लेकिन इसमें एकदम पतला नहीं करना है, ऐसे इसको पूरा स्प्रेड कर लेना है, और इसको एकदम धीमी आंच पे हम पकने देंगे। इसको अभी हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 2 मिनट में जब ये ऊपर की लेयर ऐसे ड्राई होने लग जाएगी, तब हम इसको पलटा देंगे, क्योंकि हमें इसको दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। तो इसके पहले मैं साइड्स से ऐसे चम्मच से साइड्स खोलूंगी, और उसके बाद इसको पलटा दूंगी। ये देखो, ये मैंने पलटा दिया है। अभी इसको भी मैं धीमी आंच पे पकने देती हूँ। ये थोड़ा सा पकना बाकी है, इसलिए अभी और इसको पकने दूंगी। ये देखो, ये अभी अच्छे से पक चुका है, बहुत ही मस्त कलर आया हुआ है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ, ऐसे ही मैं बाकी के भी नाश्ता तैयार कर लूँगी। तो ये बन गया हमारा स्प्राउटेड मूंग का हेल्दी नाश्ता। बहुत ही टेस्टी लगता है,
आप इसको बच्चों को भी टिफिन में वगैरह दे सकते हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। वो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, बहुत कम तेल में बनता है और आप जो चाहे वो वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हो। तो आप भी ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।